हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे हमने। यहाँ पर अभी तक 10 या फिर 9 कंप्लीट कर ली थी, आज हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने आपको याद होगा पढ़ा था 8 कर ली। एक सेकेंड, इसके नंबर सही करते हैं। यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पाएगा 9। 9 हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट कर ली है, डेटर्स और क्रेडिटर। तो डेटर आपको पता चल गया, देनदार। क्रेडिटर क्या होता है? लेनदार। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे 10th करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बैड डेब्ट के बारे में। ठीक है, बैड डेट होता क्या है? देखिए, डेटर आपको पता चल गया क्या होते हैं, देनदार। उनको फ्यूचर में पेमेंट हमें वापस करनी होती है। ठीक है, डेटर्स को फ्यूचर में जो उन्होंने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पर ली थी उसकी पेमेंट पे करनी होती है इन फ्यूचर। अभी बैड डेट्स कैसे हो जाता है? देखिए, डेट्स जो है वो इसी से रिलेटेड है। आगे लिखते हैं, द अमाउंट विच कुड नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी और आपको इंसॉल्वेंट भी पढ़ाया था, अभी एक्सप्लेन करते हैं, एक और बार बता दूंगी। डिसलायबिलिटी, ठीक है, या फिर डिसएबिलिटी, टू पे इज कॉल्ड बैड डेट्स, फुल स्टॉप। तो देखिए, बैड डेट्स की डेफिनेशन क्या लिखे, ये भी आप नोट कर लिएगा ताकि आपको फ्यूचर में अगर जरा से भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको रीड करते ही समझ जाएं। तो बैड डेट्स होता क्या है? वो अमाउंट होता है जो कि डेटर्स को फ्यूचर में पे करना होता है, बट वो पे करने के एबल नहीं होते। वो या तो उनको इंसॉल्वेंट हो जाते हैं वो पर्सन। अब आप बोलेंगे इंसॉल्वेंट क्या होते हैं? इंसॉल्वेंट पर्सन वह होता है, मतलब इंसॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिवालिया। पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही और शी इज इनकेपेबल टू मीट ऑल हिज हर लायबिलिटी। जो अपनी जो फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है उसको वो मीट नहीं कर पाता, पे नहीं कर पाता, असमर्थ होता है, तो वो क्या होता है? इंसॉल्वेंट। कब होता है? जब हमारी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, एसेट्स कम हो जाते हैं, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो तभी क्या होता है, हमारे बैड डेट्स क्रिएट हो जाते हैं कि डेटर्स को ये फ्यूचर में पे तो करना आता है बट वो इंसॉल्वेंसी की वजह से या फिर डिसेबिलिटी टू पे, मतलब वो पे करने के में असमर्थ होते हैं इसलिए वो नहीं कर पाते, तो वो क्या हो जाते हैं? बैड डेट्स हो जाते हैं। ये एक बिजनेस में रिस्क होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस भी बोल सकते हैं। आगे लिखते हैं, देयर इज ऑलवेज रिस्क इन बिजनेस with extending credit। देखिए, जब भी हम क्रेडिट पे बिजनेस करते हैं ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो पेमेंट हमारे पास आई नहीं होती है, फ्यूचर में पर्सन इंसॉल्वेंट हो सकता है, तो रिस्क ज्यादा होता है। तो बैड डेट्स आपको समझ आ गए होंगे। अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर 11th पॉइंट जो कि है इनकम।
तो इनकम तो आप भी समझते होंगे, इनकम को क्या बोलते हैं हिंदी में, आय बोलते हैं, ठीक है। आय मतलब कि जैसे आप कभी कंपनी में या कहीं पर भी जॉब करेंगे तो आपको वहां से इनकम मिलेगी ना, तो उसे ही बोलते हैं। यहाँ पर लिखे हैं दैट अमाउंट विच इंक्रीज इज द कैपिटल, कैपिटल को ये इंक्रीज करती है, ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इनकम, ठीक है। जो अमाउंट कैपिटल को इंक्रीज करती है वो क्या होती है, इनकम, फुल स्टॉप। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझें तो लिख सकते हैं आ कंपनीज टोटल अर्निंग, मतलब कंपनी की जितनी भी टोटल अर्निंग होती है क्या माइनस करके आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के बाद जितनी भी टोटल अर्निंग होती है वो क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है। जब भी हमारी क्या होती है द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू ज्यादा होता है एक्सपेंसेस से, जब भी रेवेन्यू ज्यादा होता है एक्सपेंसेस से तो क्या होती है वो इनकम। इसका फॉर्मूला भी होता है, लिखवा देती हूँ यहाँ पर, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, में लिखा एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 12th पॉइंट के, इसका अपोजिट पढ़ते हैं एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस क्या होता है, मतलब कि खर्चे। अब बिजनेस होगा ऑफ कोर्स खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, हर तरह के खर्चे होते हैं, स्टाफ का अलग होता है, कहीं पे ऑफिस अगर रेंट पर है वो भी हमारा एक्सपेंस होता है, रेंट हमेशा निकालना होता है चाहे बिजनेस में अर्न हो या ना हो, ठीक है। स्टाफ की सैलरी देनी होती है चाहे बिजनेस को लॉस हो रहा हो। अभी एक्सपेंसेस का पढ़ते हैं द अमाउंट विच इज paid for increasing profit earning capacity of business, तो वो क्या होते हैं, is called एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप, या एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं इसको, तो वही लिख देते हैं एक्सपेंडिचर फुल स्टॉप। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बिजनेस के क्या, बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने, बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो, मतलब उसकी बिजनेस के प्रॉफिट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है, जो खर्चे किए जाते हैं ताकि हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, प्रॉफिट हो हमें, तो उसके लिए प्रॉफिट से पहले कुछ एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, मतलब कि खर्चे करने पड़ेंगे। तो जो भी प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए हम खर्चे करते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये क्या होता है, लॉन्ग पीरियड होता है इनका, इट इज ऑफ लॉन्ग पीरियड नेचर, फुल स्टॉप। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कैसे हो सकता है इनका, फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं,
अगर मैं नाम लेके बात करूं तो रेंट बोल सकते हैं, रेंट होता है, सैलरी होता है, तो ये सब क्या होते हैं, इस तरह के एक्सपेंसेस बिजनेस में होने ही होने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने क्या तीन पॉइंट्स पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैड डेट्स क्या होता है, जो अमाउंट हम डेटर से रिकवर नहीं कर पाते ड्यू टू उसकी इंसॉल्वेंसी या फिर डिसेबिलिटी की वजह से, वो क्या होता है, बैड डेट्स होता है। इनकम क्या होता है, जो कि हमारे बिजनेस के कैपिटल को इंक्रीज करता है, वो क्या होता है, इनकम होता है, जो कंपनी टोटल अर्न करती है, कमाती है एक्सपेंस को माइनस करने के बाद। ये इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था। फिर बात आती है एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस क्या होता है, जो अमाउंट विच इज पेड फॉर, पे किया जाता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बिजनेस की, वो होता है एक्सपेंडिचर। द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ अ कंपनी स्पेंड्स ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड, जो अमाउंट ऑफ मनी मतलब जो पैसा कंपनी खर्च करती है अकाउंटिंग पीरियड में, वो होता है एक्सपेंस बिजनेस का, वो जैसे रेंट, सैलरी, ये सब। ठीक है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं नेचर में। यहाँ पर अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज और बची हैं, फिर कंप्लीट होते ही आगे पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।